प्राणेश्वरक्षरातीत ने अपने तारतमवाणी के पहले ग्रंथ में पहचान दी है वास्तव में प्रेम क्या होता है। इस ग्रंथ को कहते हैं रास। रास का अर्थ क्या होता है? रस की क्रीड़ा ही रास है। अभी आपने चौपाई सुनी, हमें पहला कहूं मोहजल की बात। अब मैं मोहजल की बात कहता हूं। रस क्या है? तारतमवाणी में कई शब्द आए हैं, हिंदी साहित्य में भी आते हैं और वाणी में कई जगह है। रस रंग, रस और रंग दो शब्द आते हैं। प्रसंग के अनुसार रस और रंग दोनों शब्दों का अर्थ कहीं प्रेम से लिया जाता है, कहीं आनंद से लिया जाता है, लेकिन रस का जो मूल भाव है वो आनंद से लिया जाता है। अक्षरातीत क्या है? प्रेम का, आनंद का, एकत्व का, सौंदर्य का, ज्ञान का अनंत सागर जब क्रीड़ा करने लगता है तो उसको कहते हैं रस की क्रीड़ा हो रही है। तारतमवाणी में रस शब्द कितनी बार आया है और रस कई तरह का होता है। विख्या विखे रस भेदिया, तो यहां भी तो विषय का रस है। आनंद क्या होता है? देखिए, आनंद दो तरह का होता है। एक होता है प्रेयानंद और एक होता है श्रेयानंद। प्रेयानंद किसको कहते हैं? भौतिक आनंद। और एक होता है श्रेयानंद। श्रेयानंद किसको कहते हैं? आध्यात्मिक आनंद। जो आत्मा का आनंद है वह श्रेयानंद है। आत्मा अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत से जो आनंद की रसधारा अनुभूत करती है उसको कहते हैं श्रेयानंद। सारा संसार क्या है? विषया आनंद में मस्त है। आप सुंदर साथ को चर्चावाणी अच्छी लगती है, चितवनी अच्छी लगती है, कोई ब्रह्मात्मा है वो राज्य के प्रेम में डूब गई है तो राज्य के शोभा श्रृंगार के सिवा उसको संसार फीका लग रहा है। उससे पूछिए कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या सुंदर साथ बोलेगा? मैं तो राज्य के आनंद में डूब गई हूँ। इसलिए एक चौपाई आती है, रस मगन वही सो क्या गावे। रस में मग्न ब्रह्मात्मा भी रस में मग्न हो गई है। अभी आपने चौपाई की सुनी, विषया विखे रस भेदिया, हमारे जीव को विषय के रस ने डुबो डाल। अब रास किसको कहते हैं? अक्षरातीत क्या है? सौंदर्य का अनंत सागर है, प्रेम का अनंत सागर है, एकत्व का अनंत सागर है, सब कुछ उसमें अनंतता है। और अपने से अभिन्न स्वरूपा आत्माओं के साथ जब वो क्रीड़ा करता है तो उसको कहते हैं रास। आजकल रास का अर्थ क्या समझ दिया जाता है? जैसे हम सुंदर सा चौपाइयों का बाह्य अर्थ लेते हैं तो उसमें रामते दर्शाई गई है। ये आंबो की रामत है और कई कई रामतों का नाम लिखा है। उसकी क्रीड़ाओं को पढ़ेंगे तो सामान्य बुद्धि से आपको लगेगा कि क्या यही रास है, क्या सच्चिदानंद अक्षरातीत तो ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे बच्चे करते हैं, तो इसको रास कैसे कह सकते हैं? मनुष्य यही सोचेगा। रामतों का अर्थ लेने के बाद रास का आशय नहीं पता चल सकता। रास का आशय तो भावों में डूब करके पता चलता है कि वास्तव में रास कहते किसको है। भाव क्या है? आप देखिए, मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ। आप सोए पड़े हैं या आंखें बंद करके बैठे हैं, आपका मित्र एक स्पर्श शब्द है। आपका मित्र आपके शरीर को स्पर्श करेगा तो आपको कुछ दूसरी अनुभूति होगी। कोई गुरुजन स्पर्श करेंगे, दूसरी अनुभूति होगी। आपकी पत्नी प्रेमिका स्पर्श करेगी तो दूसरी अनुभूति होगी, और शत्रु स्पर्श करेगा तो दूसरी अनुभूति होगी। स्पर्श एक क्रिया है, अनुभूति का स्तर अलग अलग है। उसी तरह से इस संसार में जो शराब पी रहा है वो कहेगा कि इससे अच्छा आनंद तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अफीम खाने वाला कहेगा इससे हमसे ज्यादा कोई आनंदित नहीं है। वह गंदी नाली में गिरा होगा कहेगा कि मेरे से ज्यादा आनंद किसी के पास नहीं है।
एक संसार के किसी भी प्राणी को ले लीजिए, शेर को क्या है, जब तक वो किसी जानवर की गर्दन दबाकर कच्चा मांस खा नहीं लेता उसको आनंद नहीं मिलता। सूर को किसमें आनंद मिल रहा है, वो अपनी वासना से ग्रसित है। वासना से ग्रसित प्राणी वासना का भोग करने के बाद ही आनंद का अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसको इसके परे का ज्ञान ही नहीं है। संसार के सारे प्राणियों को आप अध्यात्म का ज्ञान देने जाइए तो क्या कहेंगे, कहीं से कोई पागल आ गया है। अमेरिका के सुंदर साथ बताते हैं, अभी कल ही बता रहे थे, अमेरिका में क्या है, एक धन कमाने की तृष्णा है, और वो तृष्णा हमारे देश में भी है। धन कमाने वाले को केवल एक ही बात दिखाई देती है, धन कमाना है, क्योंकि वो सोचता है कि इससे आनंद मिलता है। मनुष्य भागता है किसके पीछे, उसको तीन चीजें चाहिए, मनुष्य नहीं हर प्राणी को चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए और आनंद चाहिए। प्रेम शांति और आनंद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जब तक उसको पता नहीं चले कि तू कौन है, तेरे आनंद का मूल स्रोत कहाँ है, तब तो वो अखंड रहस्य में विलास नहीं कर सकता। यह रहस्य उस अक्षरातीत के द्वारा की गई प्रेममय क्रीड़ा है, जो उन्होंने अपने सतंग अक्षर की आत्मा को दर्शाया था। ये क्रीड़ा नहीं है, आप वृंदावन में जाएंगे तो रास की मंडलियां बहुत मिल जाएंगी, सौराष्ट्र में भी वैसा रास का जो वर्णन श्रृंगार है उससे मिलता जुलता श्रृंगार करके रामते करने वाले बहुत से कलाकार मिल जाएंगे, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन तो दुखी है। वे रामतों की कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अभी नवरात्र आएगा, गरबे का नृत्य होगा, लेकिन आप सोचे हैं गर्वे को नृत्य को देखकर आप तो आनंदित हो रहे हैं, लेकिन नृत्य करने वाला भी क्या आनंदित है, कभी सोचा है? इसलिए रामते रास नहीं है, हृदय का स्पंदन रास है। हृदय में जो अनंत प्रेम भरा है वह प्रेम जब क्रीड़ा करने लगता है तो उसको रास कहते हैं। अब उस हृदय के प्रेम के अभिव्यक्ति के साधन है नेत्र है, हाथ पैर हैं, हम उछलते हैं, कूदते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, ये सब कुछ क्या है, हृदय के प्रेम को व्यक्त करने का साधन है, तो लीलाओं के रूप में रास ग्रंथ में वर्णित कर दिया गया है। सुंदर साथ बस ये समझ लेते हैं कि ये रामत हमने सीख ली है तो हम रास करने लगे हैं। आप रास की नाटक की क्रिया कर रहे हैं, रास में की में आत्मग्न नहीं है। तभी तो ग्रंथन में कहना पड़ा रस मगन वही सो क्या गावे। ये तो योग माया के ब्रह्मांड की रास है, जिसमें अक्षरातीत अक्षर की आत्मा को दिखा रहे हैं कि उस प्रेम का विलास कैसा होता है। ब्रज में क्या दिखाया था, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान है, अक्षर की आत्मा को दिखाया जा रहा है। और ब्रज लीला में आपने सुना होगा, रस खान जी ने बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन किया है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर गावे ताई अहिर की छोरिया छछिया भर छाछ पर नाचने चाहे। जिस अक्षरातीत के बारे में देवताओं को पता नहीं, शेष को पता नहीं, शिव जी को पता नहीं, वह अक्षरातीत जब श्री कृष्ण के तन में लीला करता है, गोपियां कहती हैं कि कान्हा हम तुझे मक्खन खिलाएंगे तू नाच करके दिखा, तो वह नाचता है। अक्षर को ये दिखाना है कि अक्षर ब्रह्म तुम्हारे एक इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाते हैं, और तुम मेरे मात्र सतंग हो, और मैं चिदघन स्वरूप अपनी आत्माओं के कहने पर नाचता हूं। सत्ता का स्वरूप कभी ऐसा दृश्य देख नहीं सकता, लेकिन अब प्रेम का विलास दिखाना है, प्रेम की झलक दिखाई ब्रज में, रास में विलास नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये माया कतन विलास के बोझ को झेलने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि रास का वक्ता कौन है। आपने सुखदेव के बारे में सुना है, सुखदेव ऐसा व्यक्तित्व है जिसको यह पता नहीं है कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं। जिसको स्त्री और पुरुष में भेद प्रतीत होता है उस व्यक्ति को न तो रास की टीका करने का अधिकार है, न रास के ऊपर बोलने का अधिकार है, न रास के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है।
क्योंकि जो शरीर के पर्दे से बाहर नहीं निकल सकता वो अक्षरातीत और आत्माओं की क्रीड़ा को नहीं जान सकता, वो वही जानेगा क्योंकि जो उसने संसार में देखा है, उसने विषय वासना से जन्म लिया है और उसका चिंतन भी विषय वासना का है। इसलिए पहला चरण है हमें पहला कहूं मोहचलनी पात। अब मैं मोहजल की बात करता हूं। आपने कई तरह का जल सुना है, पाक ना हो इन पानी चाहिए अर्श का जल, परम धाम का भी जल है, ये माया का भी जल है, ये मोह जल है। मोह और प्रेम दो चीजें हैं। सुंदर साथ अमूमन मोह और प्रेम को एक ही समझ लेते हैं कि लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। कोई किसी मित्र से लगाव रखता है तो क्या कहता है, मैं मित्र से प्रेम करता हूं। प्रेम, आसक्ति, स्नेह सब अलग अलग। आप मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते। जैसे पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, जब रजोगुण की स्थिति होती है तो आसक्ति होती है। आप जानते हैं एक ही थाली में खाने वाले भाई जब बड़े होते हैं, उनके विवाह हो जाते हैं, तो भाई भाई सब अलग मनमुटाव रखने लगते हैं क्योंकि उनके हृदय की आसक्ति पत्नी में बट जाती है। पति पत्नी में विवाह होता है, कुछ समय तक गहरी आसक्ति होती है, जब उनकी संतान हो जाती है तो प्रायः उस आसक्ति में भी बंटवारा हो जाता है। पति शिकायत करता है कि तुम बच्चे से ज्यादा प्रेम करती हो, या वो शिकायत करती है कि तुम अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते हो, मेरे से कुछ नहीं। प्रेम कोई नहीं कर रहा है, सभी आसक्ति कर रहे हैं। आसक्ति का अर्थ क्या है, लगाव, इसको कहते हैं मोह। जगत महात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संजिकम। अब आपके सामने प्रश्न होगा क्या सीता और राम में प्रेम नहीं था, मैं कहूंगा नहीं। शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की, क्या उनके पास प्रेम था, मैं कहूंगा नहीं। सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्मशिष्ट में जो खेले स्वरूप जरास। यदि प्रेम होता तो अग्नि परीक्षा के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और सीता जब दोबारा कहा गया तो धरती में नहीं समा जा सकती थी पौराणिक मान्यता के अनुसार। इस संसार में जहां भी सत्व रज तम है वहां केवल मोह रहेगा, प्रेम नहीं है। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाइत, ये प्रेम इनो जाहिर किया ना तो प्रेम दूरी में कि। आप कहेंगे कि राधा और कृष्ण में प्रेम नहीं था। कुछ साल पहले राधा कृष्ण का सीरियल निकला था और 11 वर्ष वान की लीला में राधा को प्रेम सिखाने में कृष्ण जी को कई वर्ष लग जाते हैं। राधा मोह करती है। बलराम पूछते हैं, उस सीरियल में एक बहुत अच्छी बात दिखाई दी गई कि कन्हा ये बताओ राधा तुमसे प्रेम नहीं करती है, कृष्ण कहते हैं कि नहीं राधा मोह करती है, प्रेम नहीं करती है। कई घटनाओं के माध्यम से कई एपिसोड में यही दिखाया गया है उस लीला में कि राधा स्वयं को नहीं जानती है कि मैं कौन हूं। उसका लगाव नंद जी पर भी है, उसका लगाव अपने ब्रिस्बान जी पर भी है, अपने माता पिता से वो प्रेम लगाव रखती है, कृष्ण जी से भी लगाव रखती है। कृष्ण जी ने कहा कि देखो बलराम, प्रेम अखंड वस्तु है, मोह यहां की वस्तु है। जिस दिन राधा का मोह टूटेगा वो उस दिन मेरे से घृणा करेगी, और ऐसा ही होता है। एक घटनाक्रम आता है जिसमें राधा कृष्ण को देखना ही नहीं चाहती है। प्रेम कब होगा, जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक आप प्रेम के अधिकारी नहीं हो सकते। पहली आवश्यकता क्या है, वाणी में बताया है, बचने कामस काटिए राखिए नहीं रजमात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए त्यारे थैया प्रेम ना पात। जब तक आप अपने गुण अंग इंद्रियों को जीत नहीं सकते हैं तब तक प्रेम की पहली सीढ़ी पर भी चढ़ने के आप अधिकारी नहीं है। जोग बाई सर्वे जीतिए त्यारे थैया ने प्रेम पात। यदि आपके अंदर विकार है, यदि आपका मन संसारिक सुखों में आसक्त है, तभी आप मोह के बंधन में है। भले ही आप संसार के सबसे बड़े विद्वान बन सकते हैं, भले ही आप महान तपस्वी हो सकते हैं, हिमालय की गुफाओं में आप साधनारत हो सकते हैं, आप सिद्धि विभूतियों के स्वामी हो सकते हैं, लेकिन प्रेमी नहीं हो सकते।
तो शब्दातीत कहिया जो हुआ ब्रह्म के घर सो तो निराकार के पार इत दुनी पावे क्यों कर। संसार उस प्रेम की व्याख्या नहीं जान सकता। आप तो ऐसे संसार में आए हैं जिस संसार में आप देखते हैं ना, ये संसार ऐसा है। एक मनुष्य प्रोटीन के नाम पर कितने जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारता है, उनका मांस पकाता है, खाता है। किस पूछा जाए किस लिए? मेरा शरीर शक्तिशाली रहेगा। जो हृदय अपने सामने एक पशु को, पक्षी को तड़पते हुए देखता है, उसका रक्त बहते देखता है, उसकी हड्डियों को चूस जाता है, वह हृदय प्रेम का अधिकारी कहां से हो सकता है? प्रेम कब हो सकता है? रास में प्रेम की लीला का विलास दिखाया गया। वाणी क्या कहती है? आत्म सोहनी एक दिशे जुजवी तिदिशे देह। सबके शरीर अलग दिख रहे हैं लेकिन सबको एक आत्मा का स्वरूप दिख रहा है। हम यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, क्या हम सबको एक आत्मस्वरूप से देखने के पात्र बन गए? नहीं। हम भेद करेंगे, अरे वो नेपाली है, गुजराती है, पंजाबी है। फिर आपस में रहेंगे तो अपना मित्र खोजेंगे, फिर देखेंगे कि कौन हमारा घनिष्ठ है, कौन हमारा दूर वाला है। व्यवहार में हमारे परिवर्तन, हमारे हर पल में शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, तो आप रास की व्याख्या कैसे समझेंगे? जो रास करने वाली सखियां हैं सबका श्रृंगार एक है, वहां सत्व रज तम नहीं है। इस संसार में जब तमोगुण होता है तो मोह की काली छाया घेर लेती है, रजोगुण में आसक्ति की छाया घेर लेती है। जब सतोगुण में कोई व्यक्ति स्थित होता है तो कोई वह व्यक्ति तो मीरा का रूप लेता है, कोई रसखान का रूप लेता है, कोई सूरदास का रूप लेता है। जब समाधि में पहुंचेंगे, सत्व रज तम से परे होंगे, जब केवल प्रीतम दिखाई देगा, तब हमें समझ में आएगा कि प्रेम कहते किसको है। आज तो प्रेम का अर्थ अंग्रेजी में लव से कर लिया जाता है। कोई कुत्ते से लगाव करेगा तो कहेगा कि मैं कुत्ते से, आगे क्या कहना है आप जानते हैं। कुत्ते से प्रेम कोई नहीं करता, लेकिन प्रेम को गलत तरीके से व्याख्या कर दिया गया है। इसलिए राजी क्या कह रहे हैं, हमें पहला कहूं मोचल नहीं बात। किसको समझाया जा रहा है? जयराम कंसारा को। वह जयराम कंसारा जिसमें करुणावती की आत्मा है, 70 वर्ष का शरीर हो गया, देवजन जी से तारतम लिया है, वही जयराम कंसारा जिसकी आत्मा ब्रज में रह चुकी है, रास में रह चुकी है और जागने के ब्रह्मांड में आई है, तो बर्तन कूट रही है किस लिए? धन कमाने के लिए। और श्री जी जाते हैं दीप बंदर, जयराम कंसारा को प्रबोधित करते हैं कि भाई जयराम कंसारा कबलों का सा कूटेगा। आप सोचिए जागनी रास में कितनी बड़ी उपलब्धि है। अभी मैं आपको बता रहा था कि संसार का हर प्राणी सोचता है कि मैं आनंदित हो रहा हूं, मैं आनंद के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। माया के ब्रह्मांड में अभी इसी प्रकरण में एक चौपाई आती है, एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अग्नि कुटिल ने कोमल चंचल चतुर्चपल। माया के अस्त्र क्या हैं? एना आउद अमृत रूप रस, अमृत के समान मधुर लगने वाले क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस गंध है। 5 तत्व हैं, 5 तन्मात्राएं हैं और इनके 5 विषय हैं। संसार के सारे सुखों को इकट्ठा कर देंगे तो ये 5 ही भोग के साधन बनते हैं। मधुर शब्द सुनना, सुंदर रूप देखना, स्पर्श का सुख, जिह्वा का सुख और कान का सुख। इसके अलावा 6वां सुख नहीं है। और इन्हीं 6 विषयों के रसों में संसार फंसा पड़ा है। अमेरिका में आप जाएंगे तो क्या होगा? अच्छी सड़कें मिलेगी, बहुत पैसे वाले लोग मिलेंगे, सुंदर रूप रंग वाले मिलेंगे, वे बेचारे तो उसी में ही रले पले हैं। उनको पता नहीं है कि आत्मा का सौंदर्य क्या है, परमात्मा का सौंदर्य क्या है, इनके बारे में अनभिज्ञ है। हम सुंदर साथ को राज्य ने इतनी बड़ी निधि दी है कि हम सारे संसार को सावचेत कर सकते थे। आज से लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने उद्घोष किया था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधयत क्षुरस्य धारा निस्ता दुर्त्या दुर्गम पथा तत् कवियो वदन्ति।
कठोपनिषद के इस कथन को स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अमेरिका के प्रवचन में बोला था। उत्तिष्ठत, उठो, जगो, प्राप्य वराणि बोध, अपने स्वरूप को जानो। वाणी क्या कह रही है? सोता है सो जागियो, जागा बैठा हो। हम तारतम ले लेते हैं, वाणी पढ़ते रहते हैं, फिर भी संसार की तरफ भागते रहते हैं। वाणी क्या कह रही है? एना आउत अमृत, अमृत के समान क्या लगता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जीवन भर मनुष्य कोल्हू के बैल की तरह धन कमाता है, किसके लिए? इन्हीं पांच को प्राप्त करने के लिए। देखिए, हर युवा ऐसी युवती से विवाह करना चाहता है जिसका रूप सुंदर दिखाई दे। स्वाभाविक है, आकर्षण होता है सौंदर्य में, लेकिन उसको पता नहीं कि कुछ वर्षों के बाद ये सौंदर्य ढल जाएगा। जिस सौंदर्य पर वो पागल हुआ है, 80 साल की अवस्था में आने के बाद उसी चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। जिस रस के पीछे हम भागते हैं, अभी जो सुंदर साथ आते हैं, जिनको ज्यादा चटपटे खाने की आदत होती है, मिर्च मसाले का, मैं बार बार आपको टोकता रहता हूँ, वो ज्ञानपीठ आते हैं तो सोचते हैं कि अब हमें 7 दिन तो उपवास ऐसा करना पड़ेगा, हमारा मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा, प्याज चस्का नहीं मिलेगा, अचार नहीं मिलेगा, मिर्च नहीं मिलेगा। उनको क्या लगता है? उसी में आनंद मिलता है। एना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल, ये विषय की अग्नि क्या है? एना आउद अमृत रूप रस, अमृत के समान मधुर लगने वाले शब्द स्वर्ष रूप रस और गंध है। छल बल वल अकल, और ये क्या है? माया का छल है। छल, छल रूप ये जो जगत है, इसका बल क्या है? जो बुद्धि को विकृत करने वाला है। यदि आपकी बुद्धि में उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोध का पता नहीं चला तो क्या होगा? आप जागनी रास नहीं खेल सकते हैं। देखिए, योग माया की रास में बांसुरी बजती है, सखियां घर छोड़कर शरीर छोड़ देती है। 11 वर्ष 52 दिन तक रहती हैं, साथ साथ रहती हैं, 52 दिन तक कष्ट देखती हैं, लेकिन जब बांसुरी बजती है तो शरीर छोड़ने में देर नहीं करती। सूरस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया जाको वेदे कही अगम। जिस निराकार को कोई पार नहीं कर सका, इसी प्रकरण में आएगा। सुख संकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली, विष्णु मैं कुंठ लीदा माए सागर शिखर नाम क्या क्या है, ए ऊपर हो सुख कहो बीजा नाम ते कहना लू। ये सभी अक्षर की पंच वासनाएं भी गोते खाते फिरी, बिना जल के सागर में संसार डूब रहा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध है नहीं, स्वप्नवत है, लेकिन सारा संसार इसमें पागल हो रहा है, इसके रस की अनुभूति कर रहा है, कहता है कि हम तो आनंदित हैं। एक युवा को कहिए कि तुम ध्यान करो, क्या कहेगा? कैसी पागलपन की बातें कर रहे हो? यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। आजकल एक नास्तिकवादी विचारधारा बहुत तेजी से प्रबल हो रही है, जिनका उद्देश्य है यही खंडन करना कि धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, अध्यात्म कोई वस्तु नहीं है, न आत्मा है न परमात्मा है। जो समाचार सुनते हैं वो जानते हैं आजकल संसार में क्या चल रहा है। उन्होंने कुछ डिग्रियां ले ली है, भौतिक विषयों की पढ़ाई कर रखी है, और बेचारे वे समझ बैठे हैं कि यही परम सत्य है। वाणी का पहला चरण है हवे पहला मोह चलने को बात, अभी मैं आपको कह रहा था। अग्नि कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, जैसे एक घड़ी का समझते हो ना, उसको वो शब्द बोलने में मुझे झिझक हो रही है, वेश्या को घड़ी का कहते हैं। जैसे घड़ी का अपने चपल नेत्रों से सम्मोहित कर लेती है, अग्नि कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, जैसे कुटिल हृदय वाली चंचल नेत्रों वाली घड़ी का अपने नेत्रों से सम्मोहित कर लेती है, उसी तरह से माया शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषय रसों से जीव को अपना शिकार बना लेती है। उसको इससे परे ले जाने वाला कौन है? विरह का रस। विरह कब आएगा? जब अटूट विश्वास आएगा।
सखियों को जब बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने देर नहीं की, जो जहां थी वहीं शरीर छोड़ा और परमधाम और योगमाया के ब्रह्मांड में पहुंच गई। जागने के ब्रह्मांड में कितनी बड़ी हंसी की लीला हो रही है। उस समय तो थोड़ी देर के लिए राजी ने बांसुरी बजाई थी, अब तो बांसुरी 1715 से बज रही है। 300 वर्षों से बांसुरी बजाते बताते इस माया के ब्रह्मांड में कहूं तो हो सकता है राजी सोच रहे होंगे कि मैं भी थक गया, लेकिन इन पत्थर दिलों में कोई असर नहीं हुआ। तभी तो कहा है, श्याबाश तुम्हारी अरवाहों को, श्याबाश तुम्हारी हड़ी सकत, श्याबाश तुम्हारी वेश की, श्याबाश तुम्हारी निस्बत। उन गोपियों ने पहचान लिया था कि मेरा प्रीतम बुला रहा है, इसलिए नकली पति को स्नान करा रही थी उसको ठोकर मार दिया, बच्चे को दूध पिला रही थी उसको ठोकर मार दिया, शरीर छोड़ दिया, जिस शरीर के लिए हम चित्ते उस शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि बांसुरी की आवाज ने उनको खींचा। अक्षरातीत ने योग माया में जो बांसुरी बजाई थी वो तो केवल पुकारा था। तारतम्य वाणी की जो बांसुरी है, जानते हैं उसमें क्या क्या भरा है? इसमें वहदत का रस है, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा का रस है, आठों सागरों का रस इस तारतम वाणी की बांसुरी में क्रीड़ा कर रहा है। ये आठों सागरों का रस योग माया की बांसुरी में नहीं मिला था, लेकिन योग माया की बांसुरी पर सबने शरीर छोड़ दिया था, क्योंकि सभी दिल से सोचते थे, आज दिमाग से सोचते हैं। और दिमाग किसका है? बुद्धि किसकी है? माया की। जिस मोहजल से हम निकलना चाहते हैं उसी मोह की ये हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारा चित्त है। हम कितनी भी वाणी पढ़ते हैं, कितनी भी चितवनी करते हैं, पहले क्या दिखता है? मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, इससे कोई ऊपर उठ पाता है? इसलिए जिसने काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ा, तारतम वाणी के प्रकाश में आकर शरीर से परे हुआ, अपनी आत्मा के स्वरूप को जाना कि मेरा मूल परात्म मूल मिलावे में है, मेरी आत्मा का हृदय अक्षरातीत से कभी अलग नहीं हो सकता। आप देखिए, क्लर्क की नौकरी के लिए ग्रेजुएशन से भी हो जाता है, इंटर पास किया हुआ व्यक्ति भी क्लर्क की नौकरी पा लेता था पहले, अब तो समस्या हो गई है। किंतु यदि आईएएस बनना है तो बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, 3-4 घंटे पढ़ने से कोई क्लर्क तो बन जाएगा, लेकिन आईएएस बनना है तो कम से कम 15 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे पढ़ने वाला ही आईएएस बन सकता है। जागनी ब्रह्मांड वह आईएएस की तैयारी है। इसमें कठिनाई तो है, इस जागनी रास का सुख क्या है? रास का सुख है जागते, विस्त का सुख है ख्वाब। और जागनी रास आप जानते हैं क्या है? रास लीला में जो कुछ हुआ, कछुक नीत कछु जागृत में जोग माया के सिंगार जो कहे। इंद्रावती जी कहती है खटुती में, किरा जी आप अच्छी तरह से जानते हो, रास में मैंने आपको नाको चने चबवाए थे, मैं वो इंद्रावती हूं, इसलिए जैसा मैं कहती हूं वैसा ही आपको करते जाना पड़ेगा। जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत के हृदय में डूबने का अधिकार आपको है, जो पहले कभी नहीं मिला था, न कभी भविष्य में मिलने वाला है। अनंत काल से परमधाम में किसी भी ब्रह्मात्मा ने, और तो और श्यामा जी को भी पता नहीं था वहदत की मारिफत क्या है, लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में आप सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन जागृत होंगे तब तो। लेकिन रास के पहले प्रकरण में, पहली चौपाई में राज जी श्री महामती जी के धाम हृदय से जयराम कंसारा को प्रबोधित कर रहे हैं कि जयराम तो कब से कांसा कूटता रहेगा, देखा जाए तो हम सुंदर साध्वी यही तो कर रहे हैं। जयराम कंसारा के लिए क्षमा शब्द है, क्योंकि उस समय वाणी उतरी नहीं थी, हमें वाणी दी गई है, चितवनी दी गई है, फिर भी हम कांसा कूटते रहते हैं, घूम फिर करके वही आ जाते हैं, क्या करें, छोड़ा नहीं जाता। मैं नहीं कहता कि आप घर द्वार छोड़िए, लेकिन जो रास के आनंद में डूबना आपका नैतिक अधिकार है,
आप दुखों की दुनिया में डूब गए हैं, दुख को ही सुख को ही आप सब कुछ माने बैठे हैं। इसलिए हमें पहला कहूं मोहजलनी बात देता दुख रूपी दिन रात। आप क्या चाहते हैं, यहां जितने सुंदर साथ बैठे हैं आपको राजी अकेले अकेले दर्शन दे दें साक्षात और पूछे बोलो क्या चाहते हो। मैं समझता हूं 99.99 माया की चीजें मांगेंगे। कोई कहेगा राष्ट्रपति बना दीजिए, कोई कहेगा प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, कोई कहेगा कि अरबोपति बना दीजिए, कोई कहेगा कि मुझे इतना बड़ा विद्वान बना दीजिए कि मेरे सामने संसार में कोई टिक ही नहीं सके। बहने रूप मांगेगी, कोई कुछ मांगेगा, कोई और तो और हो सकता है कोई संतान वगैरह, माया की छोटी चीज भी मांगेगी। राज्य से राज्य को मांगने वाले बहुत कम होंगे, राज्य यही बता रहे हैं। और ज्यादा देखना हो तो अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, आप जाइए। अधिकतर माताएं बाईजूराज मंदिर में जाएंगी चुनरी लेकर, तो कहेंगे कि हमारे पोता नहीं हो रहा है, कोई कहेगा कि हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है। अरे भाई जी, राज के मंदिर में जाकर उनका दर्शन मांगिए, घूमर जी में जाइए तो केवल राज्य को मांगिए। माया की चीजें क्यों मांगते हैं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का भी राज आपको मिल जाएगा तो वो भी नश्वर है। आपका शरीर तो मिट्टी का घड़ा है, कितने दिनों रहने वाला है। आप प्राइम मिनिस्टर का पद भी पा जाएंगे तो कितना होगा, लेकिन आप तो छोटी से छोटी चीजें मांगते हैं। मैंने चर्चा में एक प्रसंग कई बार सुनाया, मैं पुनः सुना देता हूँ। गुजरात में शिविर था, सरकार जी के साथ मैं बैठा हुआ था, एक सज्जन आए। सरकार जी कहते हैं कि सरकार जी मेरी भैंस ने दूध देना कम कर दिया है, कुछ कृपा कर दीजिए। उस पागल को भैंस का दूध ही बढ़ाना है एक परमहंस के सामने बैठकर, सदगुरु के सामने, तो उसकी बदनसीबी को क्या कहा जाए। आप तारतम वाणी का प्रकाश पाकर माया की तरफ नजर फिराते हैं तो आपसे बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई भी बदनसीब नहीं होगा। हमें पहला मोचलनी कहूं बात देता दुख रूपी दिन रात। इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज आप मांगते हैं, सारे ब्रह्मांड का राज भी मांगते हैं, तो समझिए देता दुख रूपी दिन रात। केवल दुख ही दुख है। आपके पास कितनी संपत्ति है, हमारे पास जितने सुंदर साथ हैं इकट्ठे में कोई भी अरबोपति नहीं है। यहां जो बैठे हैं उसमें बाहर हो सकते हैं, लेकिन पूछिए क्या वो भी सुखी है। नहीं, सुखी कौन है। श्वेताश्वर उपनिषद में एक बहुत ऊंची बात लिखी है, यदा चर्मवत आकाशम वेष्ट सिंति मानवा तदा देवम अविज्ञाया दुखस्य अंतो न भविष्य। यदि मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाए कि आकाश को चमड़े के समान लपेट लेने की क्षमता रखता हो, ऋषियों को मालूम है कि आकाश को लपेटा नहीं जा सकता क्योंकि वह सूक्ष्म है, लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाए कि आकाश को चमड़े के समान लपेट ले तो भी यदि वो परमात्मा को नहीं जानता है तो उसके दुखों का अंत नहीं हो पाएगा। मनुष्य कितने भी भौतिक उन्नति कर ले, लेकिन यदि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, तो सुखी नहीं रह सकता। रास की वाणी इतना ऊंचा ज्ञान दे रही है, सारे संसार को बता रही है कि संसार के लोगों, पिया रस में यो मगन भई श्री महामती प्रेम मगन सो करसी ज्ञान। प्रेम मगन क्यों करसी ज्ञान, जो प्रेम में मग्न हो जाएगा उसके मुख से बोला नहीं जाएगा। देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दोनों सेनाओं के मध्य में दिया था, लेकिन उसको पूरी गीता को एक पंक्ति में लिखने के लिए कोई कहे तो क्या कहेंगे। इसका उत्तर केवल रास ग्रंथ में है। आनंदे रोता रमिये एम जेने तकये लक्षण प्रेम। मैं आपसे पूछूं कि आप राज्य से प्रेम करते हैं, सभी कह देंगे कि हमसे जैसा प्रेम करने वाला तो कोई नहीं है। भाई तो कम, बहने यही मानती है कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। वे अपने पति के प्रेम को ही राज्य पर घटित कर देती है। उनको अहंकार रखता है कि जैसे मैंने अपने पति को बस में कर लिया है, राज्य भी मेरे बस में है। और यही भूल उनको सच्चाई से दूर कर देती है कि राज्य का प्रेम अलग होता है।
राज्य के प्रेम में राग द्वेष नहीं होता, राज्य का प्रेम निर्विकार होता है, राज्य के प्रेम में आने के बाद अहंकार नहीं होता। आनंदे रोता रमिये एम, देखिए कितनी बड़ी कसौटी की घड़ी है। कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, रास करने हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हंसो, कैसे संभव है? हृदय में विरह की पीड़ा हो और मुस्कुराकर दिखाना है कि हम बहुत खुश हैं, कैसे संभव है? यही गीता का सार तत्व है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ हो जय जय, सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो, अर्जुन योगस्थ कुरकुर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय, तुम योगस्थ हो जा, अपनी आत्मा से परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जा और कर्म कर। आपको मैं बता दूं, गीता पर एक बहुत ऊंचा ग्रंथ लिखा गया है डॉक्टर प्रवीण जी के द्वारा, और उनकी विद्वता, उनकी साधना, उनके समर्पण ने एक असंभव सा कार्य कर दिखाया। मात्र 18 दिनों में गीता दर्शनम ग्रंथ लिख दिया। मुझे अपने मन से प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ कि यह ग्रंथ अब तक गीता के जितने बड़े बड़े विद्वान विश्व स्तर के हैं जिन्होंने लिखा है, उस पर ये एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। यदि बड़े बड़े शंकराचार्य जो गीता के मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े गीता के व्याख्याकार इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इस ग्रंथ में क्या लिखा है। और हमारी तारतम वाणी, अब उसी के रास ग्रंथ का एक जो एक प्रकरण है आनंदे रोता रमिये, इसकी 2-3 बार चर्चा हो चुकी है। ये चौपाई मुझे बहुत भाती है, एक जीवन का दर्शन है कि हमें इस संसार में कैसे रहना है। सुंदर साथ समान रूप से रास ग्रंथ को हल्के में लेता है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि वाणी के किसी भी ग्रंथ को हल्के में ना लीजिए। अक्षरातीत का हृदय वहदत का सागर है, तो उनकी वाणी भी वहदत का सागर है। रास में श्रृंगार है, श्रृंगार में रास है। आप रास को ये मत कहिए, ये जरूर है संसार को समझाने के लिए कहना पड़ता है कि मार्फत का ज्ञान दोपहर के सूरज के समय का सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा अवश्य है, लेकिन यदि हम परम धाम की दृष्टि से देखेंगे, जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी तो रास हो प्रकाश हो खटित हो सब में वही दिखाई देगा। इसको आप एक दृष्टांत से समझिए, मेरा समय पूरा होने जा रहा है, मैं बहुत सरल शब्दों में कह देता हूँ। नारद जी ने सोचा कि कंस का कैसे जल्दी विनाश हो, क्योंकि जब उसको लगा कि वसुदेव जी तो बच्चा मुझे दे गए, मैं मार डालूँगा, तो सोचा कि ये तो धर्मात्मा है, मैंने पाप किया, अब मैं इनको छोड़ देता हूँ। नारद जी सोचे कि ये जल्दी पाप करेगा तभी इसका विनाश होगा। उन्होंने भागे जाकर कंस के कहा कि देखो कंस, पहला बालक ही नहीं, तुम ये सोचते हो कि केवल 8वां बालक मारेगा, ऐसा नहीं है, पहला भी मार सकता है, दूसरा भी मार सकता है। उन्होंने एक वृत्त बनाया और उस पर 8 बिंदु बता दिए और इस बोला है कि 8वां बिंदु बताओ, इससे गिनोगे तो 8वां कहीं भी पड़ रहा था, जो 8 बिंदु थे सभी 8वां कहलाने के अधिकारी थे। तो नारद जी ने कहा कि देखो कंस, कोई भी 8वां बन सकता है, इसलिए सबको तुम मारो। उन्होंने सोचा कि ऐसा करेगा तो जल्दी से विनाश हो जाएगा। वैसे ही यदि हम रास की वाणी को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आप यहीं बैठे बैठे परम धाम के आनंद में डूब सकते हैं, इस दुखमयी माया से डूब सकते हैं। रास की वाणी शिक्षा देती है, जिस तरह से बांसुरी की आवाज़ सुनने के पश्चात गोपियों ने अपना तन छोड़ दिया था, उसी तरह से तारतम वाणी का प्रकाश जब हमारे हृदय में आता है तो हमें भी यह भावना रखनी चाहिए कि जो पहले आप मुर्दे हुए तीन दूनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुँचे नूर के पार। जो संसार से मर जाएगा वो परम धाम की तरफ जागृत होगा, और संसार से मरने के लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर से परे होना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि प्रतिदिन आप मर जाया कीजिए, आप सोचेंगे कि ये राजन स्वामी कैसी बला है प्रतिदिन मरने के लिए कहता है, लेकिन प्रतिदिन आप मरना सीख जाएंगे तो प्रतिदिन आपको राज्य का दीदार होगा। आप सोचते होंगे कि राजन स्वामी दवा कैसे लेता है, मैं दवा नहीं लेता हूँ, लेकिन विश्वास से कहता हूँ कि यदि आप करके तो देखिए, आप जब चितने में बैठते हैं तो शरीर को निश्चल कर दीजिए,
हिलिए डुलिए नहीं। यदि आप इस अवस्था में एक दिन पहुंच जाएंगे कि शरीर से परे हो जाएंगे, तो जैसे ही प्रेम का झोंका आएगा पल भर में ही आपको प्रीतम का दीदार हो जाएगा। लेकिन शरीर से जो परे होता है उसी को मरना कहते हैं, कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं, संसार तो इसी के जाल में फंसा है। और ये यदि आप चितुनी में बैठकर जिस दिन आप बिना हिले डुले शरीर को भूलकर युगल स्वरूप के नख से श्रृंगार में डूबने का प्रयास करेंगे, यह विधा आपको उस मंजिल पर पहुंचा सकती है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, रहस्य की वाणी का एक एक शब्द आपके लिए अनमोल है। संसार जिस गीता को आज तक नहीं समझ पाया, तारतम वाणी एक पंक्ति में रास ग्रंथ की एक पंक्ति से समझा देती है। आनंदे रोता रमिए, जिस मोजल में सारा संसार डूब रहा है उसको पहले ही कह दिया, हमें पहला कहूँ मोजल ने बात देता दुख रूपी दिन रात। मेरा समय पूरा होता है, मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ रास ग्रंथ के निवचनों को अंगीकार करेंगे। प्रणाम। चुप वैद्य रहेंगे। दावा नल बले कई भात, तेरणी केटली कहूं विख्यात, हवे पहला मोहजलिनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावा नल बले कई भात, तेणी केटली कहूँ विख्यात, तेणी केटली कहूँ विख्यात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।